डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और इथर। अल्कोहल, फिनॉल, इथर में हम लोगों ने अल्कोहल के प्रकार को देखा कि इसके चार प्रकार होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब ये मोनोहाइड्रिक, ड्राईहाइड्रिक और ट्राई पॉलीहाइड्रिक ये किसके आधार पे करते हैं? तो चूँकि हम जानते हैं कि अल्कोहल में OH समूह लगा हुआ होता है, और उसी OH समूह को देखकर हम ये पता करते हैं कि OH समूह की संख्या कितनी है। अगर OH समूह की संख्या एक होती है, उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। अगर OH समूह की संख्या दो होती है, डाईहाइड्रिक कहलाता है। अगर OH समूह की संख्या तीन होगा, ट्राईहाइड्रिक, और अगर तीन से ज़्यादा होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये भी पढ़े थे बाद में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भी तीन प्रकार हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी अल्कोहल। दोस्त, हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग सीखे हुए हैं प्राइमरी कार्बन, वैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री ए बोला जाता है। प्राइमरी अल्कोहल को सूचित करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को इसको हम लोग सूचित करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी को सूचित करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, या सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, या टर्शियरी अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अब लिखा जाए छोटा छोटा पॉइंट से, ये छोटा छोटा पॉइंट से, तो अब लिखेंगे यहाँ पे नीचे प्राइमरी अल्कोहल, या फिर ब्रैकेट में 1 डिग्री अल्कोहल, इसी को बोलते हैं। डैश देके लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल में OH समूह वाला कार्बन, OH समूह वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो, OH समूह वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। सब चीज़ बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, फिलहाल अभी लिखते चलिए। अब लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसमें लिखा जाए OH समूह वाला कार्बन, OH समूह वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो तो, OH समूह वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। फिर लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें लिखा जाए OH समूह वाला कार्बन, OH समूह वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हो तो, तीन कार्बन से जुड़ा हो तो वह टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है, वह टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। चलिए, हम यहाँ पे कुल मिलाकर बात कर रहे हैं दोस्तों, तीनों में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल किसको कहते हैं, जरा अच्छा से समझिए। OH समूह वाला जो कार्बन रहेगा,
जैसे OH जहाँ पे जुड़ा रहेगा, वो जो कार्बन है वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। इसमें OH समूह वाला जो कार्बन रहेगा वो दो गो कार्बन से जुड़ा रहेगा। OH समूह वाला कार्बन इसमें तीन गो कार्बन से जुड़ा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो OH समूह वाला जो कार्बन होता है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तब हम उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH समूह वाला जो कार्बन रहेगा वो दो गो कार्बन से जुड़ा रहता है, ध्यान रहे, उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर OH समूह वाला जो कार्बन है वो तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा तब हम उसको बोल देते हैं टर्शियरी अल्कोहल, राइट। चलिए अब हम लोग ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ डेफिनेशन समझे हैं, अब कुछ ना कुछ इसके लिए एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा जा रहा है। नंबर वन है CH3, ठीक है, ये आपको सवाल दिख रहा है। हम क्या बोले दोस्त कि आप OH समूह वाला कार्बन पकड़ो। OH समूह, पहले OH समूह कहाँ है, यहाँ। ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा है। OH समूह तो ये हुआ, ये वाला OH समूह वाला कार्बन कौन कहलाएगा, तो जहाँ जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा तो OH समूह वाला कार्बन ये हुआ। और इस कार्बन पे आपको बैठना है और देखना है कि कितना कार्बन दिख रहा है। तो जब आप इस कार्बन पे बैठेंगे तो आपको एक इधर कार्बन दिख रहा है जुड़ा हुआ और एक इधर कार्बन दिख रहा है जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आपको क्या करना है, OH वाला कार्बन पे बैठना है। तो OH वाला कार्बन कौन कहलाएगा भाई, तो OH वाला कार्बन वही कहलाएगा जहाँ पे OH जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस सवाल में OH वाला कार्बन ये है और इस पे दो कार्बन, इस पे बैठना है और इस पे बैठकर आपको चारों तरफ देखना है कि कितना कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन इधर दिखा, एक कार्बन इधर, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है 2 डिग्री अल्कोहल का है। फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें कुछ इस तरीके से, CH3, CH OH, CH OH, CH3, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। और फिर इसमें हमें पहचान करना है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बैठना कहाँ है, तो OH समूह वाला कार्बन, तो इसमें कितना OH है, तो दो OH है, तो दोनों OH पे बार बार, जैसे OH इस कार्बन पे है तो एक बार हमें यहाँ पे बैठना है और OH एक और है तो ये किस कार्बन से जुड़ा है, तो OH वाला कार्बन यहाँ हुआ। यानी कि दो जो टिक किए हैं, आपको टिक करने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ टिक इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमको बैठना कहाँ है, क्योंकि OH समूह यहाँ है, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। दूसरा वाला OH कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको बैठना है कहाँ, तो OH वाले कार्बन पे। पहले यहाँ पे बैठा, अब यहाँ पे बैठ के आप देखिए कि कितना कार्बन दिखता है। तो यहाँ से एक कार्बन इधर एक जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन एक जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोल देंगे कि यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि OH समूह वाला कार्बन पे जब आप इस पे बैठिएगा तो यहाँ से देखिएगा तो एक कार्बन तुरंत जुड़ा हुआ, ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये छिप जाएगा ना, हम लोग उसके तुरंत बाद वाला देखते हैं कार्बन। इससे जस्ट जुड़ा हुआ एक कार्बन ये है और इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो टोटल कार्बन इससे कितना दिखेगा, दो दिखेगा, इट मीन्स ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इसमें 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कितना बना, तो 2 ठो बना। चलिए अगर हम तीसरा एग्जाम्पल करते हैं तो इस तरीके से है CH3 CO OH OH
CH3 OH CH2 OH, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया गया कंपाउंड है, इस तरीके से दिया गया कंपाउंड है। अब इसमें हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ 2 डिग्री बन रहा है, कहाँ कहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए आपको बैठना कहाँ कहाँ है ये आप समझो। तो बैठना वही है OH वाले कार्बन पे। तो OH वाला कार्बन कहाँ कहाँ है भाई? तो OH वाला कार्बन एक ये है, और यही वाला कार्बन तो इस OH के लिए भी है। तो हम लोग कुल मिलाकर यही कार्बन पे बैठना है, ठीक है। फिर OH वाला कार्बन ये है और OH वाला कार्बन ये है। तो हमको बैठने का स्थान कितना है? बैठने का जगह 3 ठो है, यानी इस OH वाला कार्बन यही है और इस वाला OH वाला का कार्बन यही है। OH वाला कार्बन का ये है, इस OH कार्बन का। तो हम फटाफट यहाँ पे OH वाले कार्बन पे बैठे। यहाँ के बाद आपको कितना कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ दिख रहा है, एक कार्बन यहाँ से अगर बैठ कर देखें तो ये कार्बन ये दिखेगा। तो टोटल कार्बन इस कार्बन की वजह से कितना दिखा? एक ये और एक इसके वाले बगल में 2। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। फिर बात करें तो चूंकि ये भी तो कार्बन OH वाला है ना, तो हम लोग OH वाले कार्बन पर बैठे। यहाँ पर जब बैठेंगे तो चारों तरफ देखेंगे तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कितना कार्बन है? तो एक जुड़ा हुआ कार्बन ये है, एक जुड़ा हुआ कार्बन ये है और एक जुड़ा हुआ कार्बन ये है। तो टोटल 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। किस कार्बन के से? तो OH वाले कार्बन से। तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो बन रहा है वो 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि 3 कार्बन दिख रहा है। अब इस वाले OH का बात करें तो OH वाले समूह से एक ही कार्बन दिख रहा है ना, OH वाले समूह से ये कार्बन दिख रहा है। तो यहाँ पे बैठना है और फिर आपको दिखना है कि इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन से सिर्फ यही कार्बन दिख रहा है जुड़ा हुआ, तब हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि OH वाला कार्बन पर आपको बैठना है। OH वाले कार्बन पर बैठ कर आपको ध्यान से देखना है कि और कितना कार्बन उससे जुड़ा हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कुछ इस तरीके का है, CH3 CCH3 OH CHOH, ठीक है, CHOH CH3, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि हमें उसी कार्बन पे जाकर बैठना है जहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है। तो OH समूह वाला कार्बन एक ठो ये हो गया। ध्यान से दीजिए कौन कौन OH समूह वाला कार्बन हुआ। OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, फिर OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, फिर OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन। यानी आपको इस सवाल में 3 जगह पे बैठना है, 1 2 3। तो जब कोई आदमी अगर यहाँ पे बैठेगा तो कितना कार्बन उसको नज़र आएगा जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन नज़र आया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन नज़र आया। सिर्फ कार्बन को देखना बस, इसी कार्बन के साथ एक और कार्बन दिखेगा जो तुरंत जुड़ा हुआ रहेगा, ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इस कार्बन पे बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, फिर आपको क्या करना है? OH से तो यहाँ पे भी बैठना है हमें, क्योंकि OH वाले कार्बन पे हमें बैठना है। तो इस कार्बन पे बैठेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तो यहाँ से आपको एक कार्बन इधर दिख रहा होगा जुड़ा हुआ, और इसी कार्बन पर बैठेंगे तो एक कार्बन ये दिख रहा होगा जुड़ा हुआ। तो यहाँ से कुल मिलाकर हम बोलेंगे कि यहाँ पे बन रहा होगा 2 डिग्री अल्कोहल। सेम उसी तरीके से OH वाले कार्बन पे आपको फिर से बैठना है। तो जब OH वाले कार्बन पे बैठेंगे तो यहाँ से आपको कितना कार्बन दिख रहा होगा?
तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यानी कि टोटल कितना कार्बन यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ बैठने से, दो कार्बन। तो कुल मिलाकर ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल में हम लोगों को 3 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है। चलिए आगे ये जो क्वेश्चन हम आपको पाँचवा छठा दे रहे हैं, ये आप खुद आपको पहचानना है कि कहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है, कहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, कहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, ये सब सारा आपको पहचान करना है। तो चलिए आपके लिए अब क्वेश्चन लाते हैं, तो नोट कीजिएगा। CH3। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है CH3, फिर नीचे जुड़ा हुआ है OH, फिर CH2, फिर OH। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग इसमें पहचान कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7, इसमें CH3 CH3 सी ओ एच ओ एच CH2 CH OH CH3। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। देखिएगा फिर 8वां क्वेश्चन CH3 CH3 ठीक है, आपको पहचान करना है इसमें कितना डिग्री बन रहा है। 9वां क्वेश्चन CH3 CH OH CH OH ऊपर जुड़ा हुआ देख लीजिएगा, फिर से नीचे जुड़ रहा है CH3। तो ये कुल मिलाकर आपको 9 क्वेश्चन हुआ जो आपको करना है, और एक दो क्वेश्चन दे ही देते हैं। नंबर 10 H कार्बन हाइड्रोजन OH COH CH2 H सी ओ एच। देखिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे COH जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। ध्यान रखिएगा आप कि हम OH वाले कार्बन पे बैठेंगे ना तो सिर्फ कार्बन नज़र आना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं, ये हाइड्रोजन कैंसिल कर देना है। हम सिर्फ क्या बोले हैं कि OH वाले कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा रहेगा, तो OH वाले कार्बन ये है। अब इस कार्बन से यही एक कार्बन जुड़ा है ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा। ये नहीं कि 1 2 3 लिख दीजिएगा, ये हाइड्रोजन है, कार्बन थोड़े ना है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 CH3 CH OH CH2 CH3 CH2 OH H CH3 और यहाँ पे है आपका OH।
ठीक है, सब तरफ बॉन्ड भी पूरा हुआ है, देखना पड़ता है कहाँ पे बॉन्ड पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपका टोटल 11 क्वेश्चंस हुआ, ठीक है। और इस 11 क्वेश्चंस में आपको ध्यानपूर्वक से अच्छा से देखना है कि कितना डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है। 1 डिग्री कहाँ बन रहा है, 2 डिग्री कहाँ बन रहा है, 3 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो इसमें आपको जो है अच्छा से ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस आपको हम 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और 5, 6, 7, 8, 9 आगे का जो 11 क्वेश्चंस है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, अब आखिर हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर मेयर विधि क्या है, वेक्टर मेयर मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, तो इसको आपको अच्छे से पहचान करना है। अब देखते हैं वेक्टर मेयर विधि क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है। तो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एरो देंगे, लिखेंगे, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वन डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की जांच की जाती है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए क्योंकि सवाल आया हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में किसके द्वारा जांच किया जाता है, इसमें जो कौन सी ऐसी विधि है जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच किया जा सकता है, उसमें अंतर प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज विक्टर मेयर विधि। याद रखिएगा विक्टर मेयर विधि एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में जाँच करते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे एरो दिया जाएगा, लिखेंगे सेकेंड एरो, यदि किसी यौगिक को फास्फोरस तथा आयोडीन के साथ, गर्म करके सिल्वर नाइट्रेट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फार्मूला AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर यदि प्रतिफल क्षार के साथ रक्त जैसा रंग देता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होगा, पूर्ण विराम, यदि प्रतिफल क्षार के साथ नीला रंग देता है तो वह 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और यदि कोई प्रतिफल नहीं बनेगा, और यदि कोई प्रतिफल नहीं बनेगा
तो वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। चलिए अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि विक्टर मेयर विधि क्या क्या काम करता है। तो विक्टर मेयर विधि एक ऐसा विधि है जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच किया जाता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को चेक करने के लिए विक्टर मेयर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और किस कैसे पता चलेगा कि 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और कैसे पता चलेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा। दोस्त सबसे आपको पता पहले होना चाहिए कि किसी यौगिक को फास्फोरस फास्फोरस यानी फास्फोरस बोले तो पी फास्फोरस और आयोडीन को गर्म करके इसके साथ अगर AgNO3 का अभिक्रिया कराया जाता है। देखिएगा कि अगर कोई पूछ दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में पहचान कैसे करते हैं, हम क्या बोलेंगे कि फास्फोरस को आयोडीन के साथ गर्म करके AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जब अभिक्रिया करते हैं तो क्षार के साथ, क्षार बनता है प्रतिफल में, क्या बनता है क्षार। अगर क्षार जो है रक्त जैसा रंग देता है, रक्त का रंग होता है लाल, तो क्षार जो है लाल रंग का होगा तब हम बोलेंगे 1 डिग्री। अगर क्षार जो है नीला रंग होगा तब हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कोई प्रतिफल ही नहीं बनेगा तब हम बोलेंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल। तो सब बात पता चला आपको कि कब हम बोलेंगे 1 डिग्री, कब बोलेंगे 2 डिग्री और कब बोलेंगे 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल तभी हम बोलेंगे जब क्षार के साथ रक्त जैसा रंग देता है यानी कि लाल रंग, क्षार के साथ अगर नीला रंग देगा हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कोई प्रतिफल ही नहीं बनेगा हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो कुल मिलाकर विक्टर मेयर विधि कैसे चेक किया जाता है तीनों को हम लोग अभी सीखे। हालांकि उसके नीचे एक और लास्ट एरो लिखा जाए, अतः विक्टर मेयर विधि का प्रयोग अतः विक्टर मेयर विधि का प्रयोग प्रतिफल के रंगों के आधार पर किया जाता है। अतः विक्टर मेयर विधि का प्रयोग प्रतिफल के रंगों के आधार पर किया जाता है, प्रतिफल के रंगों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को चेक करने के लिए विक्टर मेयर विधि का प्रयोग करते हैं, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा, तो जब फास्फोरस आयोडीन के साथ गर्म किया हुआ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, को चूर्ण के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो जो हमें क्षार बनेगा, तो अगर क्षार का रंग लाल होगा दैट इज 1 डिग्री, क्षार का रंग अगर नीला होगा दैट इज 2 डिग्री, क्षार का रंग अगर कोई क्षार ही नहीं बनेगा यानी कि कोई प्रतिफल ही नहीं बनेगा दैट इज 3 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का पहचान कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को सबसे की पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है। तो सबसे मेन पॉइंट हम लोगों को पता चला कि जो सबसे मेन पॉइंट है वो प्रतिफल के रूप में रंग के आधार पर, यानी कि कुल मिलाकर हम ये भी बोल सकते हैं 100 बात की एक बात कि विक्टर मेयर विधि का जो प्रयोग है वो जांच है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रतिफल के रंगों के आधार पर करते हैं। प्रतिफल में जो रंग है ना, रंग के बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को चेकआउट करते हैं। तो आज हम लोग सीखें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बारे में, उसके बाद विक्टर मेयर विधि का प्रयोग देखा कि ये किसके लिए प्रयोग में काम आता है। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल से रिलेटेड IUPAC नाम, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एल्केन एल्किन का कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है। तो
उसी के वजह से अब हम लोग यहाँ पे अगले दिन पढ़ेंगे अल्कोहल के IUPAC नाम। तो आज के क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।